हेलो स्टूडेंट्स, परिणीता क्लासेस से मैं परिणीता मालू। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और सॉल्यूशन के पिछले सेशन में हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ा था और मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन फॉर्मूला हमने लिखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इस टॉपिक का क्या मतलब है? देखिए, मोलैलिटी और मोलैरिटी, ये जो दोनों टर्म्स हैं, नॉर्मेलिटी है आपके लिए, मोल फ्रैक्शन है, तो ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला हमारा था मोलैरिटी के लिए, molarity is equal to mass of solute upon molecular mass of solute into 1000 upon volume of solution in ml, है ना। तो ये हमें फॉर्मूला एकदम क्लियर है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला था wb upon mb into 1000, और यहाँ नीचे लिखा था mass of solvent। मास ध्यान दीजिएगा, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट है और ऊपर मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। बच्चों, एक एग्जांपल से इस चीज़ को हम समझते हैं कि कैसे मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन दोनों में से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? सपोज करिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपने वॉल्यूम उसका नाप लिया, वॉल्यूम उसका आपने पहले से मेजर कर लिया, और उस सॉल्यूशन को आप जो है धूप में रख देते हैं, हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं। यहाँ मैं जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सपोज करते हैं हनी जो है, शहद, वो अपन ले लेते हैं। चलिए, तो हनी को अपन ने वॉल्यूम मेजर करके धूप में रख दिया, तो धूप में क्या होगा कि हनी जो है धूप के कारण थोड़ा सा मेल्ट होगा, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम जो है वो रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन बात है, आप इसको करके देख सकते हैं। तो जब आप हनी एज ए सॉल्वेंट लेते हैं और उसका जो है वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो आप देखिए मोलैरिटी के फॉर्मूले में अगर आपने वॉल्यूम यहाँ पुट किया हनी के लिए, तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर से चेंज हो गया, और टेम्परेचर से अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो नो डाउट मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन बच्चों, सपोज करिए आपने 1 किलोग्राम हनी लिया था और 1 किलोग्राम हनी आपने बॉटल में भर के धूप में रख दिया, तो आपका हनी का वॉल्यूम जो है वो तो चेंज होगा, लेकिन मास अगर 1 kg है तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि यहां पर सॉल्वेंट का जो वेट होता है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां हमें क्लियर हो गया कि अगर किसी सॉल्यूशन को टेम्परेचर पे रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का चेंज होता है तो मोलैलिटी डेफिनेटली चेंज होगी। तो यहां हम समझ गए अच्छे से कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और मोलैलिटी इज इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो आपने सीखा इसको आप अपने पेज के हेडर पे अच्छे से लिख लीजिएगा, मोलैलिटी जो है टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है और मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं? तो हर वो चीज़ बच्चों जिसमें वॉल्यूम आप सॉल्यूशन का लेते हैं, हर वो चीज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, यानी आपका नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मोलैरिटी भी होगा। अच्छा, और जहाँ आप जो है वॉल्यूम की जगह मास लेते हैं सॉल्यूशन का, वहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं रहेगी। तो ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नए टॉपिक पर। हमारा नया टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पार्ट्स पर मिलियन, बच्चों पार्ट्स पर मिलियन जो है, यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैंने यहां अमाउंट का शॉर्ट लिख दिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10^6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक जो है आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तब वहां पर इस टॉपिक के ऊपर आप सवाल देखेंगे। देखिए, जब आपका सॉल्यूट जो है कंपैरेटिवली सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है,
तब आप उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलारिटी में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, क्योंकि मोलारिटी बहुत कम आएगी तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, मतलब 0.00000 सपोज करिए 5 आ गई तो 0.00005 जो वैल्यू है ये तो नेग्लेजिबल है। कोई भी बोलेगा कि कंसंट्रेशन इज सो स्मॉल, द सॉल्यूशन इज सो डाइल्यूट कि आप इसको तो नेग्लेक्ट कर दीजिए। सपोज करिए एक बहुत बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक है और उसमें जो है 50 ग्राम शक्कर गिर जाती है और उसमें लैक्स ऑफ लीटर वाटर है, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर मोलारिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो मोलारिटी बहुत छोटी आएगी। तो आप इसको नेग्लेक्ट करना पसंद करेंगे कि भाई इतनी छोटी मोलारिटी है, नेग्लेक्ट करो, लेकिन क्योंकि उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन तो होगा। जब ऐसी कभी स्थिति होती है तो हमेशा हम PPM पार्ट्स पर मिलियन में अपने सॉल्यूशन को चेंज करके उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं। देखिए बच्चों, बहुत सरल सी बात है, हम अपने सॉल्यूशन को जो है 10^6 पार्ट बना देते हैं और उसमें हम सॉल्यूट को देखते हैं तो हमारा सॉल्यूट जो है नो डाउट थोड़ा सा बड़ा अमाउंट में आएगा। तो देखते हैं इस पर एक सवाल। चलिए सवाल है आपके लिए, सवाल से पहले आपके लिए फॉर्मूला लिख दूं यहां पर। PPM इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इनटू 10^6। 10^6 इज 10 लैक्स। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला। सवाल हमारा ये है बच्चों, इफ 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड, ये सवाल पहले कॉम्पिटिशन में आ चुका है, इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए उसने यहाँ पर कहीं पे भी नहीं कहा कि आपको PPM कैलकुलेट करना है, लेकिन जब ये कॉम्पिटिशन में आया था जो ऑप्शंस वहाँ दिए थे ABCD, हर एक ऑप्शन में जो आंसर थे उसके साथ यूनिट PPM लिखी थी, तो हम समझ गए कि हमें PPM में कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। तो बच्चों 0.2 ग्राम फ्लोराइड है ना, और 0.2 ग्राम फ्लोराइड जो है दैट इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट, तो कितना कम लग रहा है, 500 ग्राम्स टूथपेस्ट है और उसमें मात्र 0.2 ग्राम जो है आपका सॉल्यूट है। तो आपने इस पूरे सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया 10^6 में, यानी 10 लाख अगर आपका पार्ट टूथपेस्ट हो जाए तो उसमें कितना फ्लोराइड होगा। तो बच्चों आप देखिए, अब आपकी वैल्यू जो है थोड़ी बड़ी आ गई, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है 400 PPM, लेकिन आप साथ में तो देखिए लिखा हुआ है पर मिलियन, यानी आपका 1 मिलियन जब आपका सॉल्वेंट होगा तब उसमें इतना पार्ट सॉल्यूट होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। कई बच्चों को नॉर्मेलिटी समझने में दिक्कत होती है, तो आज आप इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है अच्छा हो जाए। तो यहाँ इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट लेने हैं और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेना है। तो बच्चों यहाँ नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला लिखा और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर आपका फॉर्मूला जो है मैंने छोटे से उसमें कन्वर्ट कर दिया। बच्चों यहां ग्राम इक्विवेलेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ग्राम इक्विवेलेंस, सॉल्यूट के लिए आप हमेशा बी यूज करते हैं तो आप B यूज कर लीजिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप VA ले लीजिए। तो आपका ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अगर कभी आपको ग्राम इक्विवेलेंस डायरेक्ट दिए हुए हैं और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया हुआ है तो मोलारिटी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड।
लेकिन जब ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं है तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो बहुत इजी, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है ना, ये हमको निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसको मैं यहां नीचे लिख देती हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। कितना ग्राम आपका सॉल्यूट है, आपने 50 ग्राम लिया, 30 ग्राम, वो हो गया। और फिर नीचे आपको लिखना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। बच्चों मास के लिए हम तो डब्ल्यू बी लेते ही हैं और इक्विवेलेंट वेट के लिए हम ई बी ले लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। चलिए पहले इसको हम पुट कर दें अपने फॉर्मूले में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट की जगह डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इनटू 1 अपॉन वी ए लीटर। कभी कभार आपको बच्चों सॉल्यूशन जो है वो ml में दिया रहता है, तो आप ml को 1000 से डिवाइड करके लीटर में लाएंगे, तो अपन ऐसा करते हैं 1000 लिख लेते हैं और यहां सॉल्यूशन जो है वो ml में रख देंगे उसका वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, तो हमें यहां पर wb मालूम है, va मालूम है, eb इक्विवेलेंट वेट हमें नहीं पता। तो यहां इक्विवेलेंट वेट को अब क्लियर करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट बच्चों किसी के लिए भी मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने यहां सॉल्यूट नहीं लिखा। इक्विवेलेंट वेट किसी भी चीज का अगर आपको निकालना है तो आपको मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको लेना होगा। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां ए से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए एसिडिटी, बी से बेसिसिटी, वी से वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ओ लिख दीजिए। तो इक्विवेलेंट मास इज नथिंग, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और एनी सब्सटेंस अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों चलो हम यहां पर इसे पुट कर देते हैं eb की जगह, तो eb की जगह हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज mb एंड एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू 1000 अपॉन va। मैथ्स के हिसाब से आपका नो डाउट ये नीचे से ऊपर जब आएगा तो हो जाएगा wb अपॉन mb इनटू 1000 अपॉन va ml इनटू एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी बच्चा इस फॉर्मूले को देखेगा तो उसको ध्यान आ जाएगा कि यहां पर ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी ए, ये तो मोलैरिटी मैंने पढ़ा था, ये आपको यहां से मोलैरिटी जो है इजीली दिख रही होगी। तो हम यहां समझ गए कि नॉर्मेलिटी इज नथिंग, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी या बेसिसिटी या वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो इतना छोटा सवाल तक भी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो आपको यदि उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता है, एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें से कोई चीज आपको मालूम है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट। जैसे एक छोटा सा सवाल, सपोज करें कि हमारे पास KMnO4 है, तो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया और इसका इक्विवेलेंट मास उन्होंने पूछा था इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ KMnO4 में जो मैग्नीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है एसिडिक मीडियम में और चेंज होती है बाय 5। तो यहाँ पर हमको एसिडिक मीडियम में 5 लेना होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास जो है जो भी KMnO4 का होगा वो आप ऊपर रखेंगे और नीचे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो फटाफट आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी किसी भी सब्सटेंस का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ आपको सीखना होगा एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लास 11th में मेरे बच्चों को मैं हमेशा सिखा देती हूँ एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, पर फिर भी आप एक रिवाइज कर लीजिए तो आपका यहाँ कंसेप्ट सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले एसिडिटी, बच्चों एसिडिटी जो है वो हम किसी बेस की देखते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं ना उनकी एसिडिटी देखते हैं। तो एसिडिटी इज द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव प्रेजेंट इन अ बेस, किसी बेस में कितने एच प्लस है। तो बच्चा बोलेगा मैडम मैं तो बेस में OH देखता हूँ लेकिन आप तो H देखने के लिए कह रहे हैं, तो हाँ हम बेस में एसिडिटी देख रहे हैं H प्लस। तो देखिए यहाँ पर सपोज यू हैव NaOH, तो NaOH में आप जानते हैं कि H जो है वो प्लस होगा क्योंकि O जो है इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो इसमें कितने H प्लस है, तो इसमें 1 है ना H प्लस, तो एसिडिटी 1। अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो नो डाउट इसकी एसिडिटी हो गई 2। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बेसिसिटी, तो बेसिसिटी में इट इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव प्रेजेंट इन एन एसिड, इन एन एसिड, तो किसी एसिड के अंदर कितने OH है उसकी संख्या होती है बेसिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हमारा नाइट्रिक एसिड, इसमें कितने OH है 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। अच्छा दिस इज नाइट्रस एसिड, कितने OH 1, तो बेसिसिटी 1। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई 2, क्योंकि इसमें OH कितने हैं 2 है। लेकिन आपको किसी एसिड में जब आप बेसिसिटी ढूंढते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चों ये देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ H3PO3 का, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 में बेटा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ये 2 OH हैं, सिर्फ 2 OH। अगर आपको फॉर्मूला H3PO3 दे दिया ना तो आप धोखा खा जाएंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो यहाँ कितने OH हैं, यहाँ बेसिसिटी हो गई 2, 2 OH के कारण। तो इस तरीके से बेसिसिटी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं वैलेंसी के ऊपर, तो वैलेंसी आप कैसे करेंगे, तो सपोज करें आपके पास HCl है, तो HCl में H एक बॉन्ड बना रहा है, Cl एक बॉन्ड बना रहा है, तो HCl में H की वैलेंसी भी 1 है और Cl की भी 1 है, तो आप किसी एक की वैलेंसी वहां पुट कर दीजिए 1। तो जब भी आप HCl एज ए सॉल्यूट यूज करेंगे तो वैलेंसी आपको पुट करनी होगी सिर्फ और सिर्फ 1। बच्चों आप एक छोटा सा टेबल फॉर्म कर लीजिए ताकि उस टेबल को आप देख के झटपट जो है नॉर्मेलिटी इजीली कैलकुलेट कर पाए, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे तो ये आपको आना चाहिए पर कुछ बच्चे जो है इसे रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा टेबल आपकी मदद के लिए सिखा देती हूँ। चलिए यहाँ पर आप सब्सटेंस लिख लीजिएगा, यहाँ पर एसिडिटी, यहाँ बेसिसिटी, यहाँ वैलेंसी और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम HCl ले लेते हैं, HCl में वैलेंसी आप 1 ले लो, NaOH में एसिडिटी 1, KOH अगर आपका सॉल्यूट है एसिडिटी 1, CaOH होल ट्वाइस एसिडिटी 2, MgOH होल ट्वाइस एसिडिटी 2, Al OH होल थ्राइस एसिडिटी 3। अब हम आ जाते हैं एसिड्स पर, तो नाइट्रिक एसिड बेसिसिटी 1, नाइट्रस एसिड बेसिसिटी 1, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बेसिसिटी 2, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बेसिसिटी 2। अब इसको ऊपर से कंटिन्यू कर लेते हैं दोबारा से, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा, तो यहां ऊपर से फिर से कंटिन्यू, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बेसिसिटी 2, H3PO4 इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं और फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, तो इसकी बेसिसिटी 3। बच्चों कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे, बड़े फ्रिक्वेंटली जो है ये क्वेश्चंस में ऑर्गेनिक एसिड देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में सिर्फ एक OH है तो इसकी बेसिसिटी 1। इसी तरीके से आपके पास फॉर्मिक एसिड का सवाल आ जाए तो इसमें भी एक OH तो बेसिसिटी 1। फिर बेंजोइक एसिड बड़ा कॉमनली यूज होने वाला हमारा सॉल्यूट, तो इसकी बेसिसिटी भी 1।
यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट आ गया एक एसिड ऑर्गेनिक में. देखिए ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड में बच्चों हमेशा टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है क्रिस्टलाइन आप हमेशा ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. तो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड में वाटर में OH कितने हैं वो मत देखिएगा, ये रहे दो OH इस स्ट्रक्चर में. इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड. इसको हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड भी सवाल में ऐसे करके पूछ सकते हैं. तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2. तो यहाँ इस तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेस आपके न्यूमेरिकल्स में हो सकते हैं. और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ आप गलती करोगे. तो अब हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, जैसे KMnO4. तो बच्चों KMnO4 में मैग्नीज इम्पॉर्टेंट होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप डायरेक्ट लिख लीजिए. आपको 5 लेनी है एसिडिक मीडियम में, यहाँ लिख देते हैं अपन. 1 लेनी है बेसिक मीडियम में और 3 लेनी है न्यूट्रल मीडियम में. तो मेरा ख्याल है आपको इतने सारे सॉल्यूट्स से जो है आपके लिए सवाल जो है होंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे. चलिए अपन करते हैं छोटा सा सवाल. सवाल है कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 250 ml सॉल्यूशन. तो यहाँ बहुत सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला तो आ ही चुका है. फॉर्मूला हमारे पास है नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू WB/mB इन 2000/VA/mL इन टू एसिडिटी बेसिसिटी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ सॉल्यूट कितना है 49 ग्राम. H2SO4 का आप मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी 98. आपका सॉल्वेंट जो है, सॉल्यूशन जो है, उसका वॉल्यूम आपने 250 ml लिया है और आपका H2SO4 जो सब्सटेंस है उसकी बेसिसिटी आपको 2 बताई गई. तो यहाँ हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये देखिए आपका 49, ये हो गया 1 और ये हो गया 4. आपका तो 4 नॉर्मल आ गया सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन. बच्चों कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मेलिटी दी होगी और मोलैरिटी पूछा जाएगा, या मोलैरिटी दी होगी तो नॉर्मेलिटी पूछा जाएगा. तो आपके पास एक फॉर्मूला है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी बेसिसिटी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो लगाइएगा और खटाखट आंसर निकालिएगा. तो चलिए ये हो गया हमारा. अब बच्चों हम लोगों ने ना एप्लीकेशन सीखी थी, याद है ना, मोलैरिटी की एप्लीकेशंस. एक एप्लीकेशन उसकी थी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरी थी इन केस ऑफ मिक्सिंग, तीसरी थी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन और चौथा हमारा एप्लीकेशन था इन केस ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन. एक था कम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन और आखिरी था इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन. और सारे फॉर्मूले आपको याद है, मुझे पता है. पहले डाइल्यूट में आप करते थे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मिक्सिंग में आप करते थे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू M4V4, फिर आप कम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में करते थे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और जब आप इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M3V3. अब आपको नॉर्मेलिटी के लिए अगर वही सवाल हो और आपको एप्लीकेशन नॉर्मेलिटी की आए तो बस बच्चों मोलारिटी की जगह नॉर्मेलिटी कर देना और बिल्कुल वैसे ही आपके सवाल जो है आते जाएंगे. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से करके रखिएगा. तो हमने यहाँ नॉर्मेलिटी सीखा, मोलैरिटी सीखा, मोलालिटी सीखा, हमने यहाँ PPM, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें सीखी. बच्चों एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. अगर कभी आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो और आपको जो है मोलालिटी निकालनी हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ आप इसे नोट कर लीजिए. आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 XB/1 XB इंटू MA. XB आप जानते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन. MA बच्चों जो भी है MA, ये हमेशा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास होगा. तो यहाँ अगर आप पानी में कोई चीज़ घोल रहे हैं तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास
आपको लेना होगा. तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी. तो ये यहाँ पर आपका होता है खत्म. चलिए करते हैं जल्दी से फटाफट एक दो सवाल और फिर बढ़ते हैं चैप्टर में आगे. बच्चों बोर्ड पर लिखे हुए कुछ सवाल, इन सवालों को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें इनके जैसे और भी कई सवाल जो है बनने में मदद मिल जाएगी. तो सबसे पहला सवाल लिखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथिल अल्कोहल इज 0.02 इन अ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी इज 0.994 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डिटरमाइन द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी और मोलैरिटी निकालनी है. तो बच्चों यहाँ इसके सॉल्यूशन पे मैं आ जाती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आपके पास ये फॉर्मूला है. देखिए मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी एम ए. तो यहाँ मोलैलिटी में 1000 तो आपको रखना ही होगा. मोल फ्रैक्शन आपको कितना दिया है 0.02, तो यहाँ आप 0.02 लिख दीजिए. नीचे 1 माइनस 0.02 कर लीजिए. और क्योंकि सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है, अगर आपको सॉल्वेंट ना दिया हो बच्चों तो पानी ही अज्यूम करना है. तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18. तो आप ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. अब मोलैलिटी आपकी आ गई है ना, मोलैलिटी आपने सपोज एक्स जो है कैलकुलेट कर ली. अब आपको मोलैरिटी निकालनी है. तो मैंने ही आपको सिखाया था, आपको याद होगा मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m m b. याद है 1000 इंटू m अपॉन 1000 d माइनस m m b. तो मोलैलिटी आपकी आ गई है, मैं उसे x रख देती हूँ. मोलैरिटी मुझे निकालनी है जो मुझे नहीं मालूम. 1000 नीचे रखा, डेंसिटी मुझे पता है 0.994 है. मोलैरिटी फिर से मुझे नहीं मालूम. और मॉलिक्यूलर मास यहाँ मीथेनॉल का रखना है. तो मीथेनॉल इज CH3OH. तो कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4, और ऑक्सीजन का 16. तो 16 आपका हो गया 32. तो ये रहा बच्चों आपका फॉर्मूला और आप फटाफट कैलकुलेट कर पाओगे मोलैलिटी और मोलैरिटी. तो ये हो गया एक सवाल हमारा. आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा सवाल. हमारा दूसरा सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन. ये देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन. आपको इतना नॉर्मेलिटी का 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ मोल कंसेप्ट थोड़ा सा आ गया, तो आपको निकालने होंगे. तो बच्चों सबसे पहले आप क्या कीजिए, मोलैरिटी निकाल लीजिए, है ना. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हमें निकालना है. तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमारे पास है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी बेसिसिटी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने उसी रूप में इसे लिख दिया क्योंकि आपने यही तैयार किया है. तो नॉर्मेलिटी उसकी है 0.2 और मोलैरिटी आपको निकालनी है. क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड आपने लिया है तो ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी होती है 2. तो यहाँ आपकी मोलैरिटी आ गई 0.1 मोलर. क्लियर, ये आपकी मोलैरिटी आ गई. लेकिन बच्चों आपको तो 100 ml में निकालना है ना, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो है 0.1 100 ml. इसको आप 1000 में, आप अपनी मोलैरिटी को 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि आपको 1 लीटर का सॉल्यूशन उसको करना होगा स्टैंडर्ड. तो आप इसे करोगे तो आप देखो ये आपका सॉल्व होकर 0.01 आ जाएगा. 0.01 इसकी मोलैरिटी आ जाएगी. 0.01 मोलैरिटी आ गई, इसका मतलब है इसके मोल्स कितने हैं, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, 0.01. क्योंकि मोलैरिटी का बच्चों मतलब ही होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर 0.01. तो आप देखिए बच्चों किसी भी 1 मोल सब्सटेंस में कितने
क्वांटिटी होती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, तो 1 मोल में इतनी, तो 0.01 मोल में कितनी, तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम चलते हैं तीसरे सॉल्यूशन पर। अब हमारे पास एक सवाल है बच्चों, देखिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है और आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है वो वाटर का है। तो तीसरे नंबर का सवाल, फॉर्मूला हमारे पास है, रिलेशन है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का। देखिए, 1000 इंटू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी एम ए, ये आपका फॉर्मूला। बच्चों, यहाँ पर आपके पास मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का है वो है नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला तो आता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और ये कितना है 0.85, तो एक्स बी आप इजीली निकाल लोगे, ये हो गया, है कि नहीं। अब आप इस एक्स बी को ऊपर रख लेंगे, नीचे आपको 1 माइनस एक्स बी ही करना है, तो एक्स बी की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप उसको 1 से माइनस कर लीजिएगा, यानी 0.85 ही होगी, नो डाउट, है कि नहीं। और एम ए जो है वो यहाँ सॉल्वेंट यानी वाटर होगा, तो वाटर के लिए आप एम ए रख दीजिएगा और इजीली आप मोल फ्रैक्शन की मदद से मोलैलिटी निकाल पाएंगे। चलिए, अब यहाँ बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल पर, और चौथा सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी हैं, तो हम करते हैं इस सवाल को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ये पूछ रहा है कि 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम आपको NaOH लगेगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं बेंजोइक एसिड की। तो मोलैरिटी के लिए बच्चों क्या, WB अपॉन MB इन 2000। अब आपको पानी नहीं दिया गया है, तो आप 1 लीटर के लिए 1000 डायरेक्ट रख दीजिए। अगर आपको कभी किसी सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो पुट 1 लीटर और 1000 ml। यहाँ 12.2 ग्राम सॉल्यूट है, और बच्चों ये रहा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। आप इसे कैलकुलेट करिएगा, आपका बिल्कुल 122 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो यहाँ नीचे पुट करिए 122, और यहाँ तो ये आपका है ही है, तो ये आ गया आपका 0.1 मोलर। अब देखिए बच्चों, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो जितनी शक्ति का एसिड लोगे बिल्कुल उतनी शक्ति का बेस होगा। तो यहाँ पर जितनी मोलैरिटी बेंजोइक एसिड की है, बिल्कुल परफेक्टली उतनी ही मोलैरिटी NaOH की भी होगी। तो यहाँ NaOH के लिए फिर से आप फॉर्मूला रखो, ये मैंने रख दिया, और आप देखिए मोलैरिटी मुझे उसकी पता है, वो बिल्कुल सेम होगी बेंजोइक एसिड जैसी। वेट मुझे निकालना है, मास मुझे निकालना है। अच्छा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 40। तो ये मैंने यहाँ रखा 40। आप इसका सॉल्यूशन भी 1 लीटर में ही बनाइए एक स्टैंडर्ड, और चेक करिए आपका आंसर आ जाएगा 4 ग्राम, यानी आपका NaOH 4 ग्राम लगेगा अगर बेंजोइक एसिड जो है 12.2 ग्राम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में यूज हो रहा है। बच्चों, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो सवाल होते हैं उसमें pH जो है, हमने टॉपिक को भी रिलेट किया है, आपने क्लास 11th में pH पढ़ा होगा। तो pH जब आप निकालते हैं किसी सॉल्यूशन का, और वो जो सब्सटेंस है, जैसे सपोज करिए H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं एक सवाल आपको यहाँ करा देती हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सपोज करिए 0.001 मोलर, ठीक, और आपको पूछा जाता है कि वॉट इज़ द pH ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों कभी भी इस सवाल को मोलैरिटी में मत करना, क्योंकि आप जब मोलैरिटी में इसे करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा। देखिए, H2SO4 का नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे,
आपके पास 0.001 मोलर सॉल्यूशन है ना, और आपकी जो बेसिसिटी है H2SO4 की वो हो गई 2. तो यहाँ आपको कभी भी किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्चुअल कंसंट्रेशन चाहिए तो आप उसे हमेशा नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए. लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसका भी बेसिसिटी 1 से अलग है ना, अगर 1 ही है तब तो मोलारिटी नॉर्मेलिटी सेम होगी, लेकिन अगर 1 से अलग उसकी एसिडिटी बेसिसिटी वैलेंसी है तो फिर आपको उसे बिल्कुल नॉर्मेलिटी में ही चेंज करके यूज करना है. तो नाउ एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 0.002 नॉर्मल. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना. तो ये हो गया आपका एक्चुअल कंसंट्रेशन, यानी H पॉजिटिव आयंस उसके अंदर इतने हैं. जितनी भी कंसंट्रेशन आती है उतने H पॉजिटिव होते हैं. और pH सारे बच्चों को पता है, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव. तो ये आपने रखा कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³. और यहाँ आपको सॉल्व करना आता है, ये हो गया log 2, ये हो गया −3 log 10. log 2 की वैल्यू सब बच्चों को मालूम है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, यहाँ −3, log 10 की वैल्यू 1. तो यहाँ आपका pH इज इक्वल टू −0.3010 −3 log 10 की वैल्यू 1, और बच्चों ये बाहर आके आ गया 2.7. तो ये हुआ pH का सवाल. तो मेरी बात को याद रखना हमेशा, कभी भी H2SO4, H3PO4 ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके अंदर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी जो बेसिसिटी है एसिडिटी है वो अगर 1 से अलग है तो उसे हमेशा नॉर्मेलिटी में चेंज करके pH वाला कंसेप्ट अप्लाई करना. तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन. अब हम चलते हैं चैप्टर के अंदर. ये चैप्टर का सुपरफिशियल पार्ट था जो आपको बनना चाहिए था, नहीं तो आगे की चीजें आपको नहीं बनती. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ना. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन की होती हैं, नो डाउट चैप्टर सॉल्यूशन है. अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी, उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. देखिए, सपोज करिए आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कई बार. सपोज करिए आप वाटर को बॉईल करते हैं, तो वाटर जो है बॉईल होता है एक निश्चित समय पे होता है, और अगर आप उसी वाटर में थोड़ा शुगर ऐड कर देते हैं तो आपने देखा होगा, आपका ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि वाटर बॉईल होने में अब ज़्यादा समय लग रहा है. अगर आपने शक्कर को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपका जो बॉइलिंग का टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर हम एक कप चाय बनाते हैं तो उसमें आप वाटर में एक चम्मच शक्कर डालते हैं, पत्ती डालते हैं, तो वो एक निश्चित समय बॉईल होता है. लेकिन अगर हम 10 कप चाय बनाने लगते हैं और पानी ज़्यादा कर देते हैं और सॉल्यूट भी बहुत ज़्यादा उसमें मिला देते हैं तो बहुत देर में बॉइलिंग का टेम्परेचर आता है. ध्यान दिया ना आपने. तो ये जो बॉइलिंग की प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया. सॉल्यूट को ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया. तो हमारा ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है. आप सॉल्यूट ज़्यादा कर देंगे तो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर और रेज हो जाएगा. तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ आपको समझाई कि यानी अगर अपन सॉल्यूट को ऐड करें तो हमारा एलिवेशन हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में. तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फिर इसी तरीके से आप इमेजिन करिए कि गर्मियों में हम फ्रीज़र बहुत यूज़ करते हैं और उसमें पानी हम फ्रीज़ करने के लिए रख देते हैं. तो पानी फ्रीज़ होने का एक निश्चित समय होता है, वो अपने उस टेम्परेचर पे फ्रीज़ हो जाता है. लेकिन अगर सपोज़ करिए हमने दूध ले लिया, उसमें शक्कर डाल दी, उसमें जो है थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और बढ़िया आइसक्रीम बनाने के लिए हमने फ्रीज़र में रख दिया, तो आपने देखा होगा कि उसकी फ्रीजिंग में बहुत समय लग जाता है ना, कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है. यानी आपने अगर किसी कम सॉल्वेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला गया. जो चीज़ जीरो पे फ्रीज हो रही थी वो चीज़ अब जीरो से भी नीचे पे फ्रीज होने चली गई, यानी माइनस में चला गया टेम्परेचर. तो यहाँ तो हमारा डिप्रेशन हो गया, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो गया, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो ये दो प्रॉपर्टीज तो आप इजीली समझ गए होंगे.
क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों कुछ नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन या दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। हमारे सॉल्यूशन को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने क्या डाला है, आपने गुड़ डाला है, शक्कर डाली है, नमक डाला है, उसको कोई मतलब नहीं। आपने कितना डाला है उससे उसकी जिन प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा, दोस प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो राइट डाउन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सच प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसकी स्पेलिंग आप बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चे दो प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको समझा दी है ना, लिख लीजिए आप पहली प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए इसके या टाइप्स लिख लीजिए। तो पहला हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज पीछे वाली, लास्ट वाली मैंने आपको नहीं समझाई क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तब आप इसको समझोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों जितना हमने सीखा, आज हमने जितना पढ़ा और पहले जितना हमने पढ़ा, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। नोट्स आपके पहले चैप्टर के पूरे हो जाने चाहिए, आपको उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल चैप्टर था, तो आप थ्योरी वाले ही सवाल सॉल्व कीजिए। जहां आपको मेरी जरूरत लगती है वहां आप मुझे पूछिए, क्योंकि अब आपको सही मायने में मेरी जरूरत पड़ने वाली है। जहां भी आपका डाउट होगा, क्वेरी होगी, तो आप चाहेंगे कि मैं उसे सॉल्व कर दूं, तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं आपस में बात करके। तो आप प्लीज खूब सारा पढ़िए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी जो है मुझे दे सकते हैं या पर्सनली भी दे सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी और भी करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप बिजी रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें और बस पढ़ते रहें।